हेलो गाइस, दिस इज वांसी फ्रॉम evithati.in। अब हम अपनी यूनिट नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं लिटरेचर रीडर की। द नेम ऑफ द यूनिट इज द डियर डिपार्टेड एंड इट इज रिटन बाय स्टैनली हॉटन। सो बेसिकली दिस इज अ ड्रामा। ड्रामा क्या होता है? अ ड्रामा इज बेसिकली वैसे नॉर्मली ड्रामा होता है थिएटर में, जैसे कोई प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज अ ड्रामा। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो डिफरेंट सीन्स में डायलॉग्स एक्सचेंज करते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ड्रामा ऑफ दिस बुक। इस बुक में हमारे पास दो ड्रामा है, ये हमारा फर्स्ट ड्रामा है। सो सबसे पहले चैप्टर की जो समरी है, जो इंट्रोडक्शन है, वो डिस्कस करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं कि इस ड्रामा में कितने कैरेक्टर्स है। सो देयर आर टोटल 6 कैरेक्टर्स। फर्स्ट इज मिसेस स्लेटर, जिनका रियल नेम वैसे दिस इज दी सरनेम एंड उनका नेम एमिलिया है। एंड देन हेनरी, जो कि एमिलिया के हस्बैंड है, एंड विक्टोरिया, जो इन दोनों की डॉटर है। ओके, देन मिसेस जॉर्डन, हर रियल नेम इज, मतलब जो उनका नेम है दैट इज एलिजाबेथ, वो एमिलिया की सिस्टर है। एंड देन बेन, जो कि मिसेस जॉर्डन के या एलिजाबेथ के हस्बैंड है। And then the last character is Abel Meriwether. So this is the grandfather in this drama, जो कि Amelia और Elizabeth के father हैं. Okay? So now the first scene, जो इस story का सबसे पहला scene है, that starts between Mrs. Slater, which is Amelia, and her daughter Victoria. So the drama starts. सबसे पहले जो एमिलिया है वो अपनी डॉटर को आवाज लगाती है, विक्टोरिया ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे ग्रैंडफादर डेड पड़े हैं और तुम खेलने कूदने में लगी हो, जाओ अंदर जाके कपड़े चेंज करके आओ, एंड आंट एलिजाबेथ एंड अंकल बेन अभी आने वाले हैं। तो विक्टोरिया आगे से बोलती है, आंट एलिजाबेथ और अंकल बेन तो कब से नहीं आए, तो वो इतने ईयर्स के बाद क्यों आ रहे हैं। सो आगे से एमिलिया बोलती है, ग्रैंडफादर की डेथ हुई है तो उनके कुछ अफेयर्स डिस्कस करने वो आ रहे हैं, तुम जाओ कपड़े चेंज करके जल्दी से आओ, कुछ ब्लैक पहन लेना। देन उसके बाद उतने में ही डोरबेल रिंग होती है एंड जो एमिलिया है वो घबरा जाती है कि कहीं जो उनकी सिस्टर है इतनी जल्दी तो नहीं आ गई, बट वो डोर ओपन करती है तो उनके हस्बैंड हेनरी होते हैं। सो शी थैंक्स गॉड कि शुक्र है आप हो, एलिजाबेथ नहीं आई। सो हेनरी आते हैं एंड उनकी वो जो भी अपना ब्रेकफास्ट की चीजें उसके लिए लेके आते हैं वो टेबल पे रख देती हैं। एंड देन वो डिस्कस करने लगते हैं कि हम लोग अभी के लिए जो ब्लैक, जैसे कि सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक वर्ड आएगा मॉर्निंग। मॉर्निंग ये गुड मॉर्निंग वाला मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग होती है एक ऐसी ड्रेस जो कि ब्लैक कलर की होती है और किसी की डेथ पे पहनी जाती है। सो यहाँ वो डिस्कस करेंगे कि अभी हमारी जो मॉर्निंग है वो आने में टाइम लगेगा, उससे पहले हम कुछ ऐसे कपड़े पहन लेते जो थोड़े बहुत ब्लैक हो, और जो हमारी ब्रांड न्यू मॉर्निंग आएगी ड्रेसेस वो इतनी अच्छी होंगी कि हम बेन को और एलिजाबेथ को ओवरशाइन कर देंगे, आउटशाइन कर देंगे, मतलब हम उनसे बहुत बेटर लगेंगे, उन्होंने अभी मॉर्निंग के बारे में सोचा भी नहीं होगा। सो देन आगे वो डिस्कस करते हैं, स्लेटर देखती है मिसेस स्लेटर की उसकी जो हेनरी की स्लीपर्स है वो बहुत पुरानी होती है, तो वो कहते हैं कैसी स्लीपर्स पहनी हुई है तुमने, टूटी फूटी सी। तो हेनरी बोलता है कि हाँ आप क्या कर सकते हैं, चलो बाद में ले लूंगा, बट देन वो उसको बोलती है कि पापा की स्लीपर्स आप पहन लो, अब तो उन्होंने नई स्लीपर्स ही ली थी और वो अब वैसे भी मर चुके हैं तो उनकी स्लीपर्स किसी काम तो आएंगी नहीं, तो तुम वो न्यू जो स्लीपर्स है वो पहन लो। तो हेनरी बोलता है कि लेकिन उनकी स्लीपर्स मेरे को छोटी आएंगी, तो आगे से जो एमिलिया है वो बोलती है कोई बात नहीं तुम पहन लो, वो स्ट्रेच हो जाएगी। उसके बाद वो एक्सचेंज कर लेता है स्लीपर, न्यू वाली पहन लेता है। एंड देन जो एमिलिया है वो हेनरी को बोलती है कि जो डैड के रूम है, मतलब हमारे पापा के रूम में जो ब्यूरो पड़ा है, ब्यूरो बेसिकली वुडन सा जैसे डेस्क बोल सकते हो आप, उस तरह से होता है। सो बोलते जो ब्यूरो पड़ा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर एलिजाबेथ आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कहे कि उसको वो ब्यूरो चाहिए। तो हेनरी बोलता है कोई बात नहीं, तो तुम उसे पहले ही बता देना कि तुम्हें वो ब्यूरो ज्यादा पसंद है। तो वो कहती नहीं नहीं, तुम मेरी बहन को नहीं जानते, वो बहुत तेज है, अगर उसे पता चल गया कि मुझे वो ब्यूरो पसंद है तो वो जान के उसके बदले और 4-5 चीजें लेने का सोचेगी। तो फिर वो पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, तो वो बोलती है कि उन लोगों के आने से पहले ही हम ब्यूरो को नीचे ले आते हैं। तो हेनरी बोलता है तुम्हें लगता भी है कि वो लोग आएंगे, लास्ट टाइम तुम्हारी और एलिजाबेथ की इतनी गंदी वाली लड़ाई हुई थी, तुम्हें लगता है वो आएगी?
जी तो आगे से मिया बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है वो पापा का सामान वगैरह बांटने के लिए जरूर आएगी। सो देन वो डिसाइड फाइनली करते हैं कि वो ब्यूरो नीचे शिफ्ट कर देते हैं। हेनरी काफी शॉक होता है कि ये सोच के कि उसके फादर डेड पड़े हैं और वो इस टाइम ब्यूरो के बारे में सोच रही है। सो देन दे डिसाइड कि हाँ ब्यूरो शिफ्ट करेंगे। वो ऊपर जाते हैं शिफ्ट करने लगते हैं तो आगे से विक्टोरिया उनको देखती है और पूछती है कि क्या आप ये चुरा रहे हो आंट एलिजाबेथ के आने से पहले। सो हेनरी और एमिलिया उसको समझाते हैं नहीं नहीं विक्टोरिया ऐसा कुछ नहीं है, ये जो ग्रैंडफादर है उन्होंने हमें दिया था इसलिए हम इसको नीचे लेके जा रहे हैं। तो वो उसको चुप करा देती है एंड देन ऑल्सो वहां पे एक क्लॉक लगी होती है तो एमिलिया बोलती है कि पापा की रूम की जो क्लॉक है ये बहुत अच्छी है, ये भी हम नीचे अपने ड्रॉइंग रूम में लगाते हैं। वो दोनों चीजें नीचे शिफ्ट कर लेते हैं और शिफ्टिंग के टाइम जब वो शिफ्ट कर रहे होते हैं डोरबेल रिंग करती है तो विक्टोरिया जाके देखती है और बता देती है कि आंट एलिजाबेथ और अंकल बेन आए हैं। सो एमिलिया बोलती है अभी तुम गेट मत खोलना, जब हम तुम्हें कहेंगे तभी गेट ओपन करना। तो वो जल्दी से और जोर जोर से फास्टली क्विकली शिफ्टिंग करने लगते हैं एंड फाइनली जब वो शिफ्ट कर लेते हैं उत्ते में जो डोर बेल है वो बहुत बार रिंग कर चुकी होती है एंड देन जाके वो गेट ओपन करते हैं एंड वहां पे मिसेस जॉर्डन विच इज एलिजाबेथ एंड बेन वहां पे होते हैं। सो हियर सीन नंबर वन एंड होता है, लेट्स सी सेकंड सीन में क्या होता है। सो नाउ कम्स द सेकंड सीन। अब यहाँ पे मिसेस जॉर्डन विच इज एलिजाबेथ और बेन की एंट्री होगी, ये दोनों एंटर करते हैं एंड जब वो आते हैं तो उन्होंने कंप्लीटली न्यू मॉर्निंग ड्रेसेस उनकी पहन रखी होती है, जो मॉर्निंग ड्रेस जो जिसकी बात हम पहले कर रहे थे उन्होंने एकदम ब्रांड न्यू वो पहनी हुई थी। और सबसे पहले अमीलिया विच इज मिसेस स्लेटर वो सबसे पहले वो यही नोटिस करते कि वो लोग बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्रेसेस में आए हैं। सो लेकिन वो उससे कुछ कमेंट नहीं करती। देन दोनों सिस्टर्स गले वगैरह मिलते हैं एंड देन कुछ थोड़ी देर रोते होते हैं वट एवर बिकॉज दे वर जस्ट एक्टिंग, क्योंकि किसी को इतना दुख नहीं हुआ था, अगर होता तो वो ऐसे छोटी छोटी बातों पे बिहेव नहीं करते। सो वो रोने की एक्टिंग वगैरह करते हैं एंड देन हेनरी पूछता है आप लोगों को इतनी देर कैसे लग गई। सो आगे से एलिजाबेथ बताती है वी कुडंट कम विदाउट दी मॉर्निंग, मतलब कि इन ब्रांड न्यू जो ड्रेसेस थी उसके बिना हम नहीं आ सकते थे, मतलब मॉर्निंग ड्रेसेस पहने बिना हम नहीं आ सकते थे इसीलिए हमें लेट हो गया। तो आगे से एमिलिया उन्हें बताती है हाँ हाँ हमारी भी मॉर्निंग रास्ते में ही है बस आती होगी। सो देन आगे जाके वो फिर से अब आगे बातें स्टार्ट करते हैं एंड देन वो जैसे कि अब नॉर्मल आके वो पूछेंगे तो उससे पूछते हैं डॉक्टर ने क्या कहा। सो आगे से एमिलिया बोलती है मैंने हेनरी को भेजा था डॉक्टर के पास बट डॉक्टर आउट ऑफ टाउन थे तो वो आ नहीं पाए। सो बेन शॉक होकर पूछते तो किसी और डॉक्टर को बुला लेते तो एमिलिया बोलती है नहीं मिस्टर प्रिंगल ही उनको जब वो जिंदा थे तब भी वो ही देखते थे एंड जब वो मर गए तब भी वो ही उन्हें देखेंगे और वैसे भी कोई डॉक्टर इसमें क्या कर सकता था। तो आगे से एलिजाबेथ बोलती है नहीं मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें इंसान मरने के बाद भी रिकवर हो जाता है। तो आगे से एमिलिया बोलती है नहीं नहीं ऐसा केस सिर्फ उसमें जब वो पानी में डूब जाते तो केस होता है, ऐसे कैसे कुछ हो सकता है। तो ये वाले इनके डिस्कशंस चलते रहते हैं। उसके बाद आगे जाके वो पूछ उनको स्टोरी बताते हैं कि क्या हुआ तो बताती है कि कल मतलब मॉर्निंग में वो बिल्कुल ठीक थे एकदम, ब्रेकफास्ट वगैरह उन्होंने किया उसके बाद वो अपना इंश्योरेंस पे करने चले गए एंड देन शायद वो रिंगो बेल्स गए होंगे बिकॉज जब वो आए थे तो वो बहुत ज्यादा खुश थे। उसके बाद मैंने देखा कि मैंने उनसे डिनर का पूछा तो उन्होंने बोला नहीं मुझे डिनर नहीं करना बट देन जब हम सब ने डिनर कर लिया तो मैं उनके लिए थोड़ा सा खाने का लेके चली गई थी। तो जब वो गई तो उन्होंने देखा कि पापा ऐसे ही लेटे हुए थे और उनकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी हो रखी थी तो उन्होंने हेनरी को आवाज लगाई तो जब हेनरी गया तो उसने देखा कि पापा ऑलरेडी उनके फादर तब तक डेथ हो चुकी थी। सो देन आगे से वो बस ये बताते हैं एंड देन वो पूछते हैं कि तुम पहले पापा को देखोगे या चाय पी ले। तो आगे से बेन बोलता है अगर चाय रेडी है तो चाय पी लेते हैं उनसे बाद में देख लेंगे। सो यहाँ पे ये सीन एंड होता है एंड देन वो चारों अब चाय पीने जाते हैं। सो लेट्स सी आगे क्या डिस्कशंस होते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट सीन बिगिंस। अब वो लोग चाय पीने के लिए चले जाते हैं एंड देन डिस्कशन में ये सब है एंड द फर्स्ट डिस्कशन दे हैड इज कि वो पूछते हैं न्यूज़पेपर में अब हम
क्या लिखवाएंगे। जब ऐसा होता है कोई डेथ, किसी की डेथ होती है तो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल या एक कॉलम में कुछ स्पेस में कुछ लिखवाया जाता है। सो डिस्कस कर रहे हैं कि हम न्यूज़पेपर में क्या लिखवाएंगे। सो सबसे पहले एलिजाबेथ एक आइडिया देती है कि दैट वी शुड राइट नेवर फॉरगॉटन, ये टाइटल होना चाहिए। बट देन हेनरी बोलता है बट नेवर फॉरगॉटन लिखने के लिए इट इज अ वेरी क्विक टाइम, अभी तो उनकी कल सुबह तो डेथ हुई है, इतनी जल्दी कोई किसी को कैसे भूल सकते, तो ये टाइटल इतना अच्छा नहीं लगेगा। देन आगे से एमिलिया उनको एक ऑप्शन देती है दैट वी कैन राइट अ लविंग हस्बैंड, अ काइंड फादर एंड अ ट्रू फ्रेंड, इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं। तो आगे से बेन बोलता है बट इसमें तो कुछ भी सच नहीं है, तो आगे से एमिलिया बोलती है कि जरूरी थोड़ी कि सच ही लिखवाओ। देन हेनरी एक आइडिया देता है कि क्यों ना हमें पोएट्री लिखें। सो एलिजाबेथ बोलती है नहीं, हम लोगों को कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिससे कि ऐसे अपीयर हो कि हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सो एमिलिया बोलती है और वैसे भी पोएट्री में तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। देन दे फाइनली बेन डिसाइड करते हैं कि ये सब डिस्कशन हम बाद में कर लेते हैं। तो एलिजाबेथ बोलती है हाँ, पहले हम जो उनके सामानों की चीज जो भी उनके लेफ्ट ओवर्स है, जो भी उनकी चीजें थी, उनकी लिस्ट बना लेते हैं। सो हेनरी बोलता है इतना बस फर्नीचर वगैरह, इतना कुछ एक्सपेंसिव या ज्वेलरी या वैल्यूएबल तो उनके पास था ही नहीं। सो आगे से एलिजाबेथ बोलती है हाँ, उस गोल्ड वॉच के अलावा जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो जिमी को देंगे। अब ये जो जिमी है ये एलिजाबेथ और बेन का बेटा है। सो आगे से एमिलिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि ऐसा प्रॉमिस तो हमें तो नहीं पता कि कुछ ऐसी बात हुई होगी। तो एलिजाबेथ ने बोला कि जब ग्रैंडफादर जब फादर हमारे साथ रहते थे तो वो जिमी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो उन्होंने तब प्रॉमिस किया था कि वो गोल्ड वॉच जिमी को देंगे। तो अभी इन दोनों की बहस हो जाती है कि हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। देन फाइनली बहस करने के बाद ये टॉपिक बंद होता है एंड बेन फिर से बोलता है जो इंश्योरेंस रिसिप्ट है वो कहाँ है, मतलब दे वांटेड टू सी कि इंश्योरेंस मनी कितना है। सो आगे से एमिलिया बोलती है कि कल उन्होंने डिपॉजिट कराया था, मेरे को पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो विक्टोरिया बीच में आके बोलती है कि जो हमारे दादाजी या नाना जी जो भी नाना जी थे उसके कि ग्रैंडफादर इंश्योरेंस ऑफिस शायद नहीं गए थे, जब वो ब्रेकफास्ट करके घर से गए थे तो उन्हें अंकल मिल गए थे और वो उसके बाद चर्च चले गए थे। तो अब सब तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उन्हें लगता है कि उन्होंने पैसे नहीं भरे। और एमिलिया उनको बताती है कि उनका इंश्योरेंस ओवरड्यू था, मतलब कि अभी पेमेंट उसकी बची हुई थी। तो सब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि उन्होंने पैसे नहीं भरे, वो हमें परेशान करने के लिए ऐसे कर रहे हैं, उन्हें पेमेंट पूरी करनी चाहिए थी। एंड आगे से बेन उनके लिए बोलता है ही वॉज अ ड्रंक बेगर, तो इस तरह से बात करते हैं। एंड देन एमिलिया बोलती है हमने उन्हें 3 साल अपने साथ रखा और उसके बाद वो उतना हमें तब भी एंड में इतना दुखी करके गए, परेशान करके गए हैं। सो एलिजाबेथ बोलते हैं कि हमने तो पूरे 5 साल उन्हें रखा था बट फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। तो फिर बेन बोलते हैं कि अभी तो हमें पता भी नहीं है कि ओवरड्यू है, उन्होंने पेमेंट करी है या नहीं करी, हम पहले चेक करते हैं कि अगर ओवरड्यू भी है तो कितना है। सो जो एमिलिया है वे विक्टोरिया को बोलती है कि आप जाओ और नाना जी के रूम से, ग्रैंडफादर के रूम से कीज लेके आओ, उन्होंने जरूर वो रिसिप्ट इस ब्यूरो में ही रखी होगी। सो विक्टोरिया पहले तो डर जाती है कि नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगी, बट जो एमिलिया है वो उसे डांट के भेज देती है। और जब वो ये बात करती है कि इस ब्यूरो में रखी होगी तो एलिजाबेथ फटाफट ब्यूरो को देखने लग जाती है और वो बोलते है कि ये ब्यूरो तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफी आर्टिस्टिक है, ये तुमने कहां से लिया। सो एमिलिया बोलती है हाँ हाँ, थोड़ा सा वो स्टैमर करके बोलती है कि ये हेनरी लेके आए थे। तो एलिजाबेथ पूछती है अच्छा ये कहाँ से लिया था, तो हेनरी और कंफ्यूज हो जाता है, वो एमिलिया को बोलते है एमिलिया कहाँ से लिया था हमने ये, तो वो बताती है खुद ही उतने में एलिजाबेथ बोल देती है कि जरूर तुमने ऑक्शन से लिया होगा बिकॉज इतनी आर्टिस्टिक लुक है इसकी, इतना अच्छा मास्टरपीस लग रहा है। तो आगे से एमिलिया बोलती है हाँ हाँ ये हमने ऑक्शन से लिया था, तो बेन बोलता है ओ मतलब सेकेंड हैंड है। सो एलिजाबेथ बोलती है कि आर्टिस्टिक चीजें सेकेंड हैंड ही होती हैं। उतने में ही विक्टोरिया स्टेयर से बहुत डरी हुई सी नीचे आ रही होती है, तो सब शॉक हो जाते हैं कि क्या हुआ इसको। तो एमिलिया पूछती है विक्टोरिया तुम्हें क्या हुआ, तो वो बोलती है कि ग्रैंडफादर
उठ रहे हैं। सो सब शौक हो जाते हैं कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो तो मर चुके हैं, वो कैसे उठ सकते हैं। तो हेनरी और एमिलिया बोलते हैं हम जाके चेक करते हैं कि क्या हुआ है। अब इससे पहले कि वो जाते हैं उन्हें किसी की फुटस्टेप्स की आवाज आती है, मतलब कोई स्टेयर से नीचे आ रहा होता है। सो यहाँ पे ये सीन एंड होता है। नीचे कौन आ रहा था और आगे क्या होता है, लेट्स सी। सो नाउ कम्स दी नेक्स्ट सीन। अब जो उसके पैरों की आवाज आ रही होती है, दैट वाज मिस्टर एबल मेरीवेदर। सो जो ग्रैंडफादर जो सबको लग रहा था मर गए हैं, बट वो एक्चुअल में मरे नहीं होते। तो वो नीचे आते हैं, सब उनको देख के बड़ा शॉक हो जाते हैं और वो आते ही पूछ रहे थे विक्की को क्या हुआ, वो इतनी डरी हुई क्यों थी। विक्की बेसिकली विक्टोरिया का निकनेम है यहाँ पे। बट इससे पहले वो देखते, जैसे ही वहां पहुंचे तो वो देखते हैं एलिजाबेथ और बेन वहां पे होते हैं। तो वो पूछते हैं तुम दोनों यहाँ कैसे। तो अगेन वो इससे पहले कि ये दोनों कुछ आंसर देते तो वो बोलते हैं मेरे स्लिपर्स कहाँ है। तो वो आगे से एमिलिया बोलते हैं आपके स्लिपर्स रूम में नहीं है क्या, वहीं होंगे। तो बोलते नहीं नहीं वहां नहीं है, कहाँ गए मेरे स्लिपर्स। उतने में ही वो हेनरी के पैरों में अपने न्यू स्लिपर्स देख लेते हैं और वो बोलते तुमने मेरे न्यू स्लिपर्स क्यों पहन रखे हैं। तो आगे से एमिलिया होती है वो मैंने ही उनको दिए थे कि थोड़ा स्ट्रेच हो जाएंगे। तो अब फिर वो अपने स्लिपर्स एक्सचेंज करती है और पूछते हैं विक्टोरिया को क्या हुआ था। तो विक्टोरिया बोलती है दादाजी आप मरे नहीं। तो उसने में वो उससे पहले कुछ सुने उसको एमिलिया टोक देती है, वो पूछती नहीं नहीं बस वो आपका हेडेक हो रहा था ना। तो वो पूछ रही है कि आपकी तबीयत ठीक है अब। तो बोलते हैं हाउ स्वीट ऑफ यू विक्टोरिया। तो आगे से एमिलिया एलिजाबेथ को बोलती है देखा वो बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं विक्टोरिया को। बोलती है हाँ हाँ जिमी को भी बहुत पसंद करते हैं। तो एमिलिया बोलते चलो फिर इनसे गोल्ड वॉच की बात कर लेते जो तुम कह रही थी ना कि जिमी को दी थी उन्होंने। तो कहती है नहीं नहीं ये टाइम सही नहीं है, घबरा जाती है बिकॉज एक्चुअल में शायद ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। तो वो मना कर देती है कि नहीं नहीं हमें ये अभी नहीं पूछना चाहिए। उतने में जो ग्रैंडफादर है वो पूछते हैं कि आप सब मॉर्निंग में क्यों हो। मॉर्निंग अगेन डजंट मीन कि सुबह सुबह क्यों हो, मॉर्निंग अगेन मीन्स दी ब्लैक ड्रेसेस जो किसी की डेथ पे वेयर करते हैं। तो वो पूछते हैं कोई मरा है क्या। तो अब उन्हें कुछ तो रिप्लाई देना था। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ पर आप जानते नहीं हो बेन का एक भाई है उसकी डेथ हुई है। तो वो आगे से बोलते हैं कि मुझे तो नहीं पता कि बेन का कोई भाई भी था। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ था, आप नहीं जानते उसको। देन उसके बाद वो लोग आगे डिस्कस करते हैं चलो अब सब यहाँ पे हैं तो हम लोग चाय पीने बैठ जाते हैं, चाय पी लेते हैं। सो वो जाते हैं एंड अब जाके सब चाय पीने लगते हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट सीन। सो लेट्स सी आगे क्या डिस्कशंस होते हैं। सो नाउ कम्स दी लास्ट सीन ऑफ दिस ड्रामा। अब क्या होता है वो लोग डिसाइड कर लेते हैं, सब चाय वाय पीने बैठ जाते हैं। तो हेनरी सबसे पहले पूछता है ग्रैंडफादर से क्या आप सो रहे थे, हम लोग आए थे मैं और अमेलिया आपके रूम में आए थे, आपको पता नहीं चला क्या। तो बोलते नहीं मैं सो तो नहीं रहा था, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही थी, पता नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। तो उतने में उनको एकदम से कुछ याद आता है और बोलते अरे एक बात बताओ तुम दोनों मेरा ब्यूरो लेके कहाँ जा रहे थे, तब मेरे को थोड़ा सा होश आया था तुम लोग मेरा ब्यूरो शिफ्ट कर रहे थे। तो उतने में एलिजाबेथ बोलते हैं आप इस ब्यूरो की बात कर रहे हो, जिस ब्यूरो के बारे में वो लोग बात कर रहे थे कि हमने ऑक्शन में लिया है। तो फटाफट से एलिजाबेथ पूछती है इस ब्यूरो की बात कर रहे हो आप। तो आगे से ग्रैंडफादर बोलते हैं हाँ ये तो मेरा ब्यूरो है, तुम इसको नीचे किससे पूछ के लेके आए हो। उतने में ही क्लॉक में क्लॉक बजती है तो वो देखते हैं अरे क्लॉक भी मेरी नीचे लिया, इस घर में हो क्या रहा है। तो एलिजाबेथ फटाफट आती है कि मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ है। तो सब उसको हेनरी और एमिलिया बोलते हैं कि प्लीज चुप हो जाओ मत बताओ ये वो, बट एलिजाबेथ उनकी बात नहीं सुनती और उनको बताती है कि हम लोगों को लगा था आप मर गए हो, इसीलिए हेनरी और एमिलिया ने हम लोगों के आने से पहले आपका ब्यूरो और क्लॉक नीचे शिफ्ट कर ली। तो ग्रैंडफादर को ये बात बहुत ज्यादा हर्ट करती है। तो वो बोलते हैं कि मैंने विल बना रखी थी, क्या वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं थी। तो हेनरी शॉक होकर पूछता है अरे आपकी कोई विल भी थी। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं हाँ थी, बट अब उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अब मैं मेरी जितनी भी सामान है जितनी भी चीजें हैं उसी को मिलेंगे जिसके साथ मैं लास्ट में होऊंगा। तो दोनों बहनें फिर से लड़ने लग जाती हैं। पहले एमिलिया बोलते हैं कि चलो जो हो गया उसको भूल जाओ, हमारे साथ ही रहते हैं पापा, वो तो अब हमारे साथ ही रहेंगे। तो आगे से जो मिसेस जॉर्डन है एलिजाबेथ है वो बोलती है नहीं नहीं तुम्हारे साथ अब वो बहुत टाइम रह गया, अब तो हम पापा को लेके जाएंगे, अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। सो बेसिकली
वो इसलिए लड़ रहे थे कि जब वो मरेंगे वो लास्ट में जिसके साथ भी होंगे सारी प्रॉपर्टी जो भी चीजें हैं उनकी सब उनको मिल जाएंगी। सो उनको देख के जो ग्रैंडफादर है मिस्टर एबल है उनको बहुत ज्यादा दुख होता है, बट वो बोलते हैं कि तुम लोगों में से किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है, तुम लोग यू आर जस्ट आफ्टर माय मनी, तुम लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए। सो दोनों सॉरी वगैरह बोलते हैं। उसके बाद बेन बोलता है लेकिन दोनों बेटियों में से किसी के साथ तो आपको रहना ही पड़ेगा, आप जल्दी से डिसाइड करके बता दो आपको किसके साथ रहना है। तो आगे से जो एबल है वो बोलते हैं कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे लाइफ में आगे अब क्या करना है। सो बोलते हैं मुझे अब तीन चीजें करनी है, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में इसके बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। वो तीन चीजें ये है कि सबसे पहले तो मुझे अपनी विल जो है उसको अल्टर करना है, जो उसमें जो भी मुझे चेंजेस करने हैं वो करूंगा मैं। सेकेंड वो बोलते हैं मुझे अपना प्रीमियम पे करना है, एंड थर्ड आई विल गेट मैरिड। तो जैसे ही वो थर्ड वाला बोलते हैं तो सब वहां पे बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या शादी करेंगे, किससे शादी करेंगे। तो वो बोलते हैं आई मैरी मिसेस जॉन शरक, ये वो है जो रोज बेला उन्होंने बताया था ना, उसकी जिसका जो ओनर था उसकी विडो थी। तो वो बोलते मैंने उससे बात कर ली है और हम संडे को शादी कर रहे हैं, आप सब लोग इन्वाइटेड हो। और लास्ट में बोलते हैं अच्छा वो तुमने ये ब्यूरो भी नीचे उतार दिया, अब मैं ये आराम से रिंगो बेल्स में शिफ्ट कर पाऊंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द ड्रामा, यहाँ पे ड्रामा एंड होता है। एंड नाउ आई होप ये जितना लॉन्ग सा ड्रामा था इसका शॉर्ट सी समरी आपको समझ आ गई होगी और इसमें आपका जो भी क्वेश्चन थे वो कवर हो गए हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। वन लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये जो टाइटल है द डियर डिपार्टेड, ये आयरनी क्यों है, मतलब अलग क्यों है। द रीजन इज सबसे पहले हम समझते हैं टाइटल है क्या। द डियर इज जैसे कि समवन जो बिलव्ड होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, ही इज वेरी डियर टू अस उसके लिए यूज होता है डियर। और डिपार्टेड का मतलब होता है जाना, राइट, कहीं से चले जाना। सो बेसिकली टाइटल का मतलब है कि समवन वेरी डियर टू अस, समवन वेरी लविंग एंड समवन वी रियली लव हैज डिपार्टेड और हैज गॉन। बट द फैक्ट इन दिस ड्रामा इज कि जिसके मरने की बात हो रही है उनसे कोई भी प्यार इतना नहीं करता। सो सबसे बड़ी आयरनी है कि जो द डियर लिखा है एक्चुअल में वो किसी के लिए भी डियर नहीं थे, राइट। सो दिस इज द आयरनी ऑफ द टाइटल ऑफ द ड्रामा। Okay, so this is it for this session. I'll be coming back again with a new chapter. Till then, take care and bye-bye.